हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता, आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 को कर रहे हैं और जिसके हमने ऑलरेडी 8 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास कह रहा है, अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वैल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है और उसका जो रेडियस है वो वेरिएबल है, मीन्स चेंज हो रहा है, और कह रहा है कि बताना है कि इसका वैल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा रेडियस के साथ, अगर लेटर मीन्स बाद में, यानी बाद में कौन, रेडियस, अगर रेडियस इतना हो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख, तो पहले आपको स्फेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ पर r इसका क्या है, रेडियस है। आपको बताना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो रेडियस के साथ किस प्रकार चेंज हो रहा है, यानी आपको डी वी बाई डी आर बताना है। तो इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ये बनेगा डी वी बाई डी आर। इधर 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r². 3 से 3 कैंसिल, तो अपने पास डी वी बाई डी आर आ गया 4πr². अब इसने कहा था कि जो रेडियस है, जब रेडियस आपके पास कितना होता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब आपके पास r कितना हो 10 सेंटीमीटर, व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो उस केस में डी वी बाई डी आर कितना हो जाएगा। तो देखो r के प्लेस पर इसमें क्या डाल दीजिए, 10, 4π × 10² 10² 100 हो जाएगा, यानी कि डी वी बाई डी आर इक्वल टू हो जाएगा 400π। वैल्यूम का यूनिट हो गया सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस का यूनिट हो गया सेंटीमीटर। दिस इज आंसर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर/सेकेंड, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। एक कोई सीढ़ी है जो किसी वाल के सहारे उसको लगा कर रखा गया है और उसका जो निचला हिस्सा है जो ग्राउंड को टच कर रहा है उसको खींचा जा रहा है, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर/सेकेंड की रेट से। तो अब आपको बताना है कि जब खींचोगे तो सीढ़ी क्या करेगी, नीचे फिसलेगी, नीचे फिसलेगी तो उसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज होगी, ये आपको बताना है। तो मान लीजिए कि ये है एक वाल, दिस इज वाल एंड दिस इज लैडर, सीढ़ी, ये इसका ग्राउंड है और इस ग्राउंड से ये इतनी दूरी पर है किसी टाइम। तो मान लेते हैं यहाँ से एट एनी इंस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी वो है एक्स सेंटीमीटर, और ये उस समय है वाई सेंटीमीटर, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। और इसको आप खींच रहे हो इधर, तो किस रेट से खींचेगा, ये डी एक्स बाई डी टी, जो कि 2 सेंटीमीटर/सेकेंड है, इस स्पीड से इसको खींचा जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो अब आपको बताना है डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा। ठीक है, जहाँ वाई क्या है, यहाँ पर हाइट है। तो यहाँ पर लैडर की जो लेंथ है
वो दे रखा है कितना, 5 मीटर। लैडर की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। दिस इज 5 मीटर। यहाँ ध्यान देना है, dx बाई dt जो है वो 2 cm/s है, ना कि मीटर पर सेकेंड है। तो 2 cm/s है, इसको अगर आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहो तो क्या बनेगा, अगर आप dx बाई dt जो कि दे रखा है 2 cm/s, इसको आप मीटर पर सेकेंड में लिखोगे तो आप इसको लिखोगे 2/100 m/s। आराम से नाउ, अब यहाँ पर आपको ये राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्रेंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, यानी 5 का square = x² + y² क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। यानी कि 25 - x² अगर करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, y². y अगर निकालोगे इससे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 25 - x². आपको बताना है dy by dt, तो इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt, अच्छा इधर डिफरेंशिएशन ध्यान से, इसको आप समझ सकते हो ऐसा, पावर में 1 बाय 2 है तो इसे आप क्या लिखोगे, 1/2 25 - x² / 1/2 - 1 × इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, 25 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2x, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए इसको क्या लिखोगे, dx/dt। सिंप्लीफाई करके इसके लिख लें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास dy/dt = आ जाएगा माइनस का x अपॉन ये, क्योंकि देखो 1/2 - 1 करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस का 1/2, और माइनस 1/2 इसलिए नीचे आप लिख सकते हो अंडर रूट 25 - x², साथ में बच रहा है dx/dt। अच्छा अब इसने कहा था कि जब लैडर को 4 मीटर अवे कर दिया जाए, यानी इधर आप कितना खिसका लो इसको 4 मीटर, यानी x जब आपके पास कितना हो 4 मीटर, उस केस में आपको इसका रेट बताना है। तो व्हेन x = 4 मीटर, x जब 4 मीटर हो जाएगा तो आपको बताना है dy/dt कितना हो जाएगा। dy/dt इसमें रख लो, x के प्लेस पर आपको 4 रखना होगा, माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट 25 - 4² dx/dt अपने पास आया है 2/100, तो इनटू हो जाएगा 2/100 m/s। तो dy/dt = - 4 × 8 हो गया अपॉन में 25 - 4² आपको पता है 16 होता है, तो ये हो जाएगा 16। 25 - 16 = 9 होता, 9 √3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3 हो गया और साथ में यहाँ पर 100 m/s। सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप 100 से इसको गुणा कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, dy/dt = -8/3 × 100 × 100 कर देंगे तो ये बन जाएगा cm/s। 100 से 100 कैंसिल हो गया, अपने पास dy/dt कितना आ जाएगा, -8/3 cm/s। यानी कि इसकी जो हाइट है वो -8/3 यानी 8/3 cm/s की इस चाल से नीचे की तरफ खिसक रही है, यानी चेंज हो रही है, मीन्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³+2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। कोई एक पार्टिकल है जो एक कर्व जो कि दे रखा है 6y = x³+2 इसके अलोंग चल रहा है। तो अब आपको बताना है कि जब इसका वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है कि वो 8 गुना एक्स कोऑर्डिनेट जिस प्रकार चेंज होता है उसके कंपैरिजन में वाई जो है वो 8 गुना चेंज होता है, मतलब कि रेट ऑफ चेंजिंग जो एक्स का है वो उसका 8 गुना जब करते हो 8 टाइम्स करते हो तो वो रेट ऑफ चेंजिंग वाई का मिलता है। तो बताना है इस केस में आपको कि ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ये कंडीशन वेरीफाई होगा। आइए, तो कर्व अपने पास दे रखा है 6y = x³+2। ठीक है, इसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, 6y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dt इक्वल टू यहाँ पर अपने पास 3x² और x का हो जाएगा dx/dt, ये बन जाएगा अपने पास। तो 3 × 3 = 6, अपने पास dy/dt इक्वल टू कितना आ जाने वाला है, यहाँ पर 2 बचा इसको इधर भेज दीजिए 1/2 x² dx/dt, इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। गिवन है कि जो रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वाई है dy/dt वो 8 टाइम्स है dx/dt का, ये बात दे रखी है। तो dy/dt जो है अपने पास उसको रख लेते हैं 1/2 x dx/dt इक्वल टू यहाँ पर है 8 टाइम्स dx/dt। dx/dt दोनों तरफ आप हटा सकते हो, नहीं हटेगा क्योंकि dy/dt अपने पास आ गया है। तो आप dx/dt दोनों तरफ आ गए, ठीक है, कुछ छूटा है, हाँ ये x² हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x² dx/dt इक्वल टू हो जाएगा 8 × 16 dx/dt। दोनों तरफ dx/dt हटा दें तो x² = बन जाएगा कितना 16। स्क्वायर हटाओगे तो x = ये बन सकता है आपके पास या तो प्लस का 4 या फिर -4, क्योंकि आप यहाँ से अगर x निकालोगे तो x का मतलब क्या हुआ, √16 प्लस माइनस, तो एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा। तो x की दो वैल्यूज मिली, इसके लिए y क्या मिलेगी, तो व्हेन x = 4 y = x³+2/6 होगा यहाँ से y, तो रख लेते हैं ये बन जाएगा 4³+2/6। तो ये 4³ हो जाएगा 64 + 2 = 66 तो ये हो जाएगा 11। यानी कि अपने पास पहला पॉइंट क्या आया, 4, 11। फाइन, सेकेंड पॉइंट जब x आपके पास -4 आया तो क्या होगा, फाइन x = -4 y = ये बनेगा -4³+2/6। -4³ -64 होगा, प्लस 2 कर देंगे तो -64 + 2 यानी कि -62 अपॉन में 6 कैंसिल करेंगे, 2 × 3 = 6 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2 यानी कि पॉइंट अपने पास आ जाएगा -4,
कॉमा माइनस का 31/3। तो अपने पास दो पॉइंट्स हैं, एक आपके पास ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है जहाँ पर ये कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा था रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कोई एक एयर बबल है और उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो बताना है इसका जो वॉल्यूम है बबल का वो किस रेट से इंक्रीज करेगा जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो उस केस में। तो अपने पास जो दे रखा है पहले उसको नोट करिए। तो दे रखा है कि रेडियस इसका इंक्रीज कर रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी आर बाई डी टी ये है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको बताना है डी वी बाई डी टी कितना होगा जब आर आपके पास 1 सेंटीमीटर हो। तो पहले एयर बबल की बात करें तो एयर बबल आपको पता है कैसा होता है, स्फीयर के फॉर्म में होता है। तो स्फीयर की सारी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ बबल कितना मिलेगा, बबल v इक्वल टू बनेगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यहाँ r एक ही जैसा रखिए। डी वी बाई डी टी अगर आप निकालोगे तो 4/3 पाई इज कॉन्स्टेंट, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r², फिर r का डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि अपने पास डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, 4πr² और डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी भी पता है आपको और r भी पता है 1 सेंटीमीटर। तो व्हेन r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डी बी बाई डी टी कितना बन जाएगा, 4πr की जगह 1 हो जाएगा और डी आर बाई डी टी हो जाएगा आपके पास 1/2। 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो डी बी बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा, 2 से कैंसिल करो 4 को 2, यानी कि 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज आंसर, यानी कि द वैल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 × 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वैल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डायमीटर दे रखा है यहाँ पर, बैलून है तो बैलून स्फेयर है और दे भी रखा है स्फेरिकल है, तो यहाँ पर आपके पास डायमीटर पता है। डायमीटर है 3/2 2x + 1। तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी कि अपने पास यहाँ पर रेडियस कितना मिल जाएगा, रेडियस r इक्वल टू इसका हाफ यानी 3/4 2x + 1। अब आपको बताना है इसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम v इक्वल टू बनता है आपको पता है 4/3 πr³। r की वैल्यू रख लीजिए, 4/3π इज कॉन्स्टेंट, आर क्यूब की जगह हो जाएगा 3/4 × 2x + 1 का होल क्यूब। तो क्या बनेगा ये देखते हैं, 4π/3 × 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64 और इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 16 और 3 से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 9। तो अपने पास v कितना आ जाएगा, 9π और नीचे हो जाएगा 16 2x + 1 का क्यूब।
आपको बताना है इसका वैल्यूम कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसे आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी का डिफरेंशिएशन बनेगा डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 9 by 16 इज कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर 3 आगे आएगा, 3 टू एक्स प्लस 1 power 3 माइनस 1 करोगे 2, साथ में आपको इस 2x+1 का फिर से डिफरेंशिएशन करना है जो कि बनेगा कितना 2, कैंसिल कर ले 2 8 + 16, यानी कि डी बी बाई डी एक्स अपने पास आ जाएगा 9 pi, और 9 3 = 27 हो गया, 27 pi/8 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/s, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm। तो कोई एक पाइप है जिससे सैंड यानी रेत गिर रही है, किस स्पीड से 12 cm³/s। तो अब आपको बताना है, और ये जब गिर रही है ना तो ये क्या कर रही है, एक कोन बना रही है, इस प्रकार से बना रही है कि इसकी कोन की जो हाइट है वो रेडियस ऑफ बेस का 1/6 है। यानी कहने का मतलब अपने पास क्या दिया है कि जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है, यानी r/6। ये है हाइट ऑफ कोन। और R यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, इसका रेडियस। और इसने बताया है कि जो गिर रहा है ना सैंड, वो अब गिर रहा, देखो सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, यानी कि dV/dt है 12 cm³/s। ये इतनी बात दे रखी है। अच्छा, आपको बताना इसका हाइट किस प्रकार से चेंज हो रहा है जब हाइट 4 cm है। आपको बताना है कि dH/dt कितना होगा जब h आपके पास कितना है 4 cm। चलो, सबसे पहले वैल्यूम आपको पता होना चाहिए, वैल्यूम कोन है, तो यहाँ पर वैल्यूम ऑफ कोन ये बनेगा 1/3 pi r²h। अब रेडियस नहीं चाहिए आपको, सब कुछ हाइट में चाहिए, तो यहाँ से आप r निकाल सकते हो, r इक्वल टू बनेगा 6h। तो जहाँ r है वहाँ आप 6h रख दीजिए, तो v क्या बन जाएगा 1/3 pi 6h² h, यानी कि v बन जाएगा आपका, देखो 6² = 36 होगा, 36/3 pi h² और h हो जाएगा h³, 3 से कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा 12, यानी v अपने पास आ गया 12 pi h³। अब आप इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, dv/dt इक्वल टू 12 pi इज कॉन्स्टेंट, एंड h³ का डिफरेंशिएशन होगा 3h²dh/dt। dv/dt अपने पास है 12, यहाँ रखा 12, इक्वल टू इधर है 12 pi × 3 × h, आपके पास 4 था तो यहाँ 4 रख लिया, 4² dh/dt आपको निकालना है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = इधर हो जाएगा 3 4² = 16 16 3 = 48 48 pi dh/dt।
आपको डी एच बाई डी टी बताना है, तो डी एच बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवेन बाय सी एक्स इक्वल टू 0.007x³ - 0.003x² + 15x + 4000। फाइंड द मार्जिनल कास्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि कोई आइटम है, कोई वस्तु है, और उसके x यूनिट का जब प्रोडक्शन किया गया तो उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट टोटल कास्ट आ रही है वो सी एक्स इक्वल टू है 0.007x³ - 0.003x² + 15x + 4000। कह रहा कि अगर 17 यूनिट प्रोड्यूस किया जाता तो उसका मार्जिनल कॉस्ट कितना आने वाला है, यानी आपको बताना है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, यानी कि एक यूनिट जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसका कॉस्ट कितना होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास सी एक्स जो दे रखा है वो है 0.007x³ - 0.003x² + 15x + 4000। ओके, इसने कहा है कि जब x आपके पास 17 यूनिट हो उस केस में आपको बताना है मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब डी सी बाई डी एक्स कितना होगा। डिफरेंशिएट कर लीजिए इसे x के रिस्पेक्ट में। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, डी सी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो 0.007 इज कॉन्स्टेंट, x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x² माइनस यहाँ पर 0.003x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 15x का डिफरेंशिएशन 4000 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यानी कि डी सी बाय डी एक्स अपने पास आ जाएगा 7 3 = 21 यानी 0.021x² - 3 2 = 6 यानी 0.006x + 15। अब आप x इक्वल टू कितना रखोगे, 17, क्योंकि इसने कहा जब 17 यूनिट हो तो आपको बताना है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू 17 डी सी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0.021 × 17² - 0.006 × 17 + 15। कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, 0.021 × 17² = 289 हो जाएगा, -0.006 × 17 है आपके पास प्लस 15। इसे मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यह आएगा 6.069 माइनस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 17 6 = 102 यानी 0.102 प्लस 15। अब इन्हें आप माइनस कर लीजिए और माइनस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे जब तो आएगा ये 20.967। ये इतना रुपए है इसका आएगा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट इतना आ गया।
20.967 रुपीस। ओके नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इक्वल टू 13x² + 26x + 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 7। तो जैसा भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है। तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले इसने दे रखा है कि जो रेवेन्यू आ रहा है रेवेन्यू आर एक्स इक्वल टू 13x² + 26x + 15। दिस इज रेवेन्यू। आपको मार्जिनल रेवेन्यू बताना है, यानी फिर आपको बताना है कि डी आर बाय डी एक्स कितना होगा व्हेन एक्स इक्वल टू 7। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लो सीधा, डी आर बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ 13x² का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 26x का डिफ्रेंशिएशन 1, 15 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो डी आर बाई डी एक्स अपने पास आ जाएगा 26x + 26। x आपके पास 7 है, इसमें चाहो तो आप 26 को कॉमन कर लो, x प्लस 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपको रखना 7, तो डी आर बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी एक्स हो जाएगा 26, 7 प्लस 1 यानी कि 26 इंटू 8, 8 6 जा 48 एंड 8 टू जा 16 प्लस 4 208। यानी कि आपने के पास मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू आ जाएगा 208 रुपीस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।